आर्यन जो भूल भुलैया 3 के सुपर हिट होने के बाद सक्सेस वेव पर राइड कर रहे हैं, अब रिपोर्टेडली आशिकी फ्रेंचाइज को रिवाइव करने के मूड में है। कार्तिक आर्यन फिल्म आशिकी 3 में नजर आएंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अनुराग बसु। हालांकि पहले ये प्रोजेक्ट आशिकी 3 के नाम से ही अनाउंस हुई थी, पर अर्लियर दिस ईयर प्रोड्यूसर्स टी सीरीज और विशेष फिल्म्स के बीच कुछ डिस्प्यूट के वजह से इसका नाम बदलकर तू आशिकी है रख दिया गया था। लेकिन भूल भुलैया 3 के सक्सेस के बाद कार्तिक ने इस फ्रेंचाइज के स्ट्रेटेजिक वैल्यू को फिर से रिकंसिडर करने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट के हिसाब से एक सोर्स ने रिवील किया, द सक्सेस ऑफ भूल भुलैया 2 एंड 3 हैज कंफर्म्ड कार्तिक्स बिलीफ इन द पावर ऑफ फ्रेंचाइजेस। ही हैज सजेस्टेड to Bhushan that he should initiate talks with Mukesh Bhatt to acquire the title. Karthik is certain that building the love story under the Aashiqui franchise will give it a push. और वैसे भी आशिकी फ्रेंचाइज की अपनी एक लेगेसी है। 1990 की ओरिजिनल फिल्म ने राहुल रॉय और अनु अग्रवाल को लॉन्च किया था और 2013 का सीक्वल आशिकी 2 आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर के साथ एक कमर्शियल और क्रिटिकल सक्सेस बन गया। लेकिन आशिकी 3 का रास्ता इतना आसान नहीं है। टी सीरीज और विशेष फिल्म्स के बीच ऑनगोइंग डिस्प्यूट और अनुराग बासु का बिजी शेड्यूल, जिसमें मेट्रो इन दिनों के रीशूट्स भी इंक्लूडेड है, ये सब प्रोजेक्ट के कमेंसमेंट में डिले क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि कार्तिक आर्यन डिटरमाइंड है कि ये फिल्म वापस आए और वो भी अटमोस्ट केयर और डिटेल के साथ। कार्तिक दूसरे फ्रेंचाइज प्रोजेक्ट्स भी एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड है, जिसमें सोनू के टीटू की स्वीटी के सीक्वल की पॉसिबिलिटीज भी है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अनुराग इज एनीवे बिजी विद द रीशूट ऑफ मेट्रो इन दिनों। विद दिस न्यू डेवलपमेंट द प्रोजेक्ट विल ओनली रोल सम टाइम नेक्स्ट ईयर। कार्तिक वांट्स क्लैरिटी ऑन ऑल एस्पेक्ट्स बिफोर ही फेसेस द कैमरा। अभी के लिए कार्तिक आर्यन अपनी अगली शूट की तैयारी में है फॉर पति पत्नी और वो टू विद मुदस्सर अजीज।